नाम है समर। आप बोलोगे समर भाई क्या पागल हो गया है। गाइस आपको एक बात बताऊं भाई, से मैं पागल ही हूँ, मैं जानता हूँ, समझदार तो मैं हूँ ही नहीं। कि जिन लगता हूँ गाइस वो मेरा भाई समझदार है, इसलिए उन्हें मैं समझदार लगता हूँ। तो भाई साहब कल मैं गया होटल में, मतलब मुर्गी की तरह मैं ऐसे क्यों कर रहा था मैं आपको बता रहा हूँ। भाई कल मैं गया होटल में, तो भाई मैंने कहा भाई साहब अंडा करी ले आओ। उन्होंने कहा भाई साहब पागल हो गया, जानते हैं ऐसे हम फ्रेंकली बोल लेते हैं, नवरात्रि चल रहे अंडा कैसे मिल जाएगा। तो भाई मुझसे कहने लगा भाई साहब अंडे तो शाकाहारी है, काफी लोग कहते हैं शाकाहारी करा कौन बोल रहा। मैं कह यार मतलब बहुत लोग कहते हैं भाई अंडा शाकाहारी हम तुम्हारे खाते हैं। तो भाई साहब खैर उसने मुझे मारा नहीं, लेकिन उसने मुझे प्यार समझा कि अगली बार बोला ना तो बहुत अच्छे से धोऊंगा। खैर उसकी बात मैं समझ गया, उसकी आंखों में थोड़ा गुस्सा था, लाल आ गई थी। तो भाई मैं समझ गया कि भाई साहब पंगा लाना बेकार है, हो सके मैं तो पूछूंगा लगता मेरा भाई भी कुटा मेरे साथ। ठीक है तो भाई साहब मैंने कहा चलो भाई एक काम कर दाल मखनी मार के लेके आ। तो भाई वो दाल मखनी लेके आया। खैर गाइस इस बात पे थोड़ा सा डिबेट होना चाहिए, प्लीज दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि भाई ये शाकाहारी है या शुद्ध मांसाहारी, कोई सेंस है इस बात की। तो भाई फटाफट अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो भाई आज मैं इस वीडियो में आपके 5 से 6 हजार रुपए आराम से बचा दूंगा। अरे हाँ तुम्हारे ना बचाने का गाइस आपके बचाऊंगा। तो भाई साहब आज बनाने वाला हूँ हीट गन। भाई यकीन मैंने ऐसा जुगाड़ गाइस आपने आज तक ना सोचा होगा ना भाई साहब देखा होगा। और गाइस काफी पैसे आपके बच जाएंगे, खराब नहीं होगा, खूब चलाओ आराम चलाओ। उसमें गाइस काफी सारे कंपोनेंट थे, इसमें 2-3 कंपोनेंट लगे भाई आराम से आपकी हीट गन बन जाएगी। भाई साहब यकीन मानिए इतनी चीप हीट गन और वर्ल्ड बेस्ट हीट गन गाइस आपने आज तक नहीं दी होगी। प्लीज दोस्तों कंप्लीट वॉच कीजिए गाइस, सिंपल सा जुगाड़ बनाएंगे भाई साहब मजा आ जाएगा। चले गए फटाफट चलते अपने ट्रिप पर, चलिए समर एक्सपेरिमेंट। हाँ तो भाई साहब आपने नया इंट्रो देखा, सच बोलो पुराना ही था। अच्छा बदला नहीं है, जल्दी बदलूंगा यार काफी सोच रहा हूँ भाई। खैर जो बात है गाइस हम फटाफट अपने पॉइंट पर आते हैं। तो भाई हमें सब बनाने की छोटी सी चीज चाहिए जो गाइस आपके लोकल मार्केट में 101% मिल जाएगी। तो भाई साहब देख लेते हैं वो क्या है। तो जी हाँ भाई साहब ये है सिगरेट लाइटर, और भाई ये काला हो जाता है, एक बार यूज कर लो गाइस ये जो नाइक्रोमायर है ये काला हो जाता है। और भाई बहुत चीप मिल जाता है, कहीं पर 70 रुपए का, कहीं पर 80 रुपए का, कहीं पर 90 रुपए का, अलग अलग रेट होते हैं अलग अलग जगह के। एक्चुअली गाइस ये हमारी सेंट्रो कार में लग रहा था, तो भैया कोई सिगरेट तो पीता नहीं है घर में, कोई भी नहीं पीता। ठीक है तो गाइस मेल तो भाई फ्री पड़ा, तो भाई मुझे तो लाना नहीं पड़ा। अब आप देख लेना गाइस किसी गाड़ में से निकालना हो तो हाँ ध्यान से निकालना। चोर है बहन का। अरे भाई मैं मजाक कर रहा हूँ, जाके प्लीज 60-70 रुपए के लिए आना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई हमें हीट गन बनाने के लिए एक पाइप की जरूरत पड़ेगी, और भाई ये पाइप लोहे का हो सकता है, एल्युमिनियम का हो सकता है, और भाई कॉपर का मतलब मेटल का होना चाहिए, कोई मेटल हो उसका चल जाएगा, प्लास्टिक का नहीं चलेगा। और भाई मेरे पास फिलहाल ये एल्युमिनियम का पाइप है, और भाई बड़ी मुश्किल से मेरे को मिला है, कबाड़ में से लेकर आया था, मतलब मेरे पास पाइप था वो छोटा था बड़ा था, तो भाई उसमें दिक्कत हो रही थी। तो भाई लूज चाहिए भाई, टैट भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें वो सिस्टम नहीं लगेगा जो गाइस मैं इसमें जुगाड़ लगाने वाला हूँ। भाई साहब एक बात और गाइस, मैं इसे पहले देखिए ये जो इसका छोटा सा हैंडल है मैं इसे खोल लेता हूँ। अब देखिए एक्चुअल साइज का इसका ये है, यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ पे खत्म हो जाता है। हमें पाइप को इतना ही काटना है देखो, जिससे गाइस ये बाहर न निकले और ज्यादा अंदर ना हो, यहाँ तक काटेंगे भाई जहाँ पे ये लगेगा। लेकिन भाई साहब मुझे यहाँ से ऐसे लेके एक छोटी सी पत्ती टाइप की इसमें से कट करनी है, और भाई इसका क्या रोल लगेगा इसी भी आपको पता लग जाएगी, बेफिक्र रहो। तो भाई साहब ये कुछ पीस कटा है पौवे जैसा लग रहा है, देखो यहाँ से ये मैंने ऐसे काट दिया। अब भाई सवाल उठता भाई मैंने ऐसा ही से क्यों काटा, मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई मुझे इसे टेढ़ा करना है ऐसे करके, भाई ऐसे कर लेंगे ना इसे, यहाँ से गाइस मैं इसे काट दूंगा। अब भाई क्योंकि एल्युमिनियम है तो गाइस काफी सॉफ्ट मेटल होता है, तो भैया आराम से आप इसे काट सकते हो, ये हो गया बढ़िया। अब भाई साहब मैं ये ना लगाता गाइस मुझे अलग से पत्ते लगानी पड़ती है, भाई उस पर दुनिया भर के यहाँ पर एक बोल्ट यहाँ पर भाई एक बोल्ट यहाँ पर देना पड़ता, मतलब बवाल ही हो जाता। भाई इसके साथ है तो ये काफी मजबूत है, इसके भाई बीचों बीच ऐसी बस एक मार्क लगा इसमें होल कर दो, ये हो गया भैया बिल्कुल मस्त होल। और इधर गाइस से चिपकाने की जरूरत है नहीं, और गाइस ये जो मैंने एक होल किया है यह 3.175 यानी कि 1 सूत बिट मैंने इसके अंदर घुमा दिया है, जो गाइस जो बोल्ट है ये भी 1 सूत का ही है। तो भैया मैं इसे यहाँ से खोलता हूँ हैंडल, गाइस मैं आपको उसको खोल के दिखा दिया था, अब भाई से भी खोल लेते हैं, इसको मकर जमे ना देखो ये हमें गाइस इससे मतलब है, तो और चीज भी चाहिए ऐसी बात नहीं है इसके अलावा। चौथा गाइस की स्पीक आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये ऐसे यहाँ लग जाएगा। तो भाई साहब ये सारा मैकेनिज्म भाई इस पर लगेगा, वैसे गाइस मैं आपको लगा के दिखाऊंगा लेकिन आपको थोड़ा बहुत एकदम बता दूंगा भाई साहब, देखो ये इस पर कुछ रुक जाएगा इस तरीके से, नेगेटिव पॉजिटिव कोई से भी हो सकता है। तो भाई एक बार तो गाइस यहाँ पर हम सोल्डिंग नहीं कर सकते, लेकिन हम यहाँ पर बल लगा सकते हैं। तो भाई लेकर आते हैं कोई भड़े सा वायर, तो भाई साहब इसे ऐसे फिट करने के बाद हमें चाहिए भैया ये जो कि आप देख सकते हो भाई 1 mm का वायर है, जो कि काफी मस्त और धासु तगड़ा कॉपर का वायर है, क्योंकि भाई साहब ये कम से कम 5-6 एम्पीयर ले जाता आराम से। इससे भाई साहब ये पीवीसी जो कोटिंग का टच नहीं चीज से, ठीक है ये दूर होनी चाहिए, अगर लग जाए तो फिर उसका सोल्यूशन है, उसका सोल्यूशन बताते हैं। ये भैया ऐसे इसके ऊपर अच्छे से लग जाएगा जिससे, ठीक है जिससे
आसानी से पावर दे सके, अच्छे से टाइट कर लो उठा करके। अब गाइस ये जो इसकी पीवीसी है ये मेल्ट हो जाएगी, सिंपल सी बात है, इतनी हीट इसमें से निकलती है। तो गाइस इसके लिए हम लगाने वाले हैं फाइबर स्लीव, लेकिन गाइस मैं अभी नहीं लगाऊंगा, ठीक है, अभी मैं इसे वापस रख देता हूँ। मतलब मैं आपको जुगाड़ बता दिया है कि गाइस क्या होगा। अब भाई एक बार मैं यहाँ लगाना है, तो गाइस मैं इसे खोल लेता हूँ, वहीं से भी निकाल लेता हूँ। और भैया मैंने यहाँ पे पहले ही जुगाड़ कर लिया है, ऐसे कर लो या आप 14 का इसे भी लगा सकते हो, लेकिन गाइस मैं इसे नहीं लगा रहा। हम गाइस सीधा इस पर लगा सकते हैं क्योंकि भाई साहब ये भी इससे कनेक्ट रहेगा सीधा। तो भैया पहले लगाएंगे इस पर वॉशर, और भाई साहब अब लगाएंगे इसे अच्छे से। थोड़ी भाई परेशानी तो होगी लेकिन क्या करें, होता है थोड़ा बहुत तो चलता है। अब भैया सीधा इस पे ये लगा देंगे। तो भाई आपका जो ये जुगाड़ था सिगरेट लाइट होल्डर ये आराम से रुक जाएगा। तो भैया अच्छे से पहले टाइट कर लेता हूँ। तो देखो ये लग गया, अब गाइस ये टेढ़ा हो रहा है, ठीक है। तो भाई हम सीधा कर सकते हैं, हम इसे ऐसे घुमा सकते हैं, तो गाइस आराम से सीधा हो जाएगा। हुआ पहले सीधा, ये इस वायर को ऐसे दिक्कत करेगा। तो भाई ये तो हो चुका है बिल्कुल मस्त कंप्लीट, ये है फाइबर स्लीव। तो भाई मैं लगाने वाला हूँ जिससे गाइस इसमें हीट होने बाद भाई ये जो पीवीसी की मेल्ट ना हो। तो भाई इस पर अच्छे से लगाना है जिससे गाइस ये टच ना हो बिल्कुल भी। हाँ देखो भाई ये लग गई, तो भाई ये टच नहीं होगी। जब वो चाहो तो गाइस थोड़ा सा साइड में कर सकते हो, और गाइस अगर आप चाहो तो थोड़ी सेफ्टी के लिए एक और फाइबर स्लीव लगा सकते हो। तो वैसे भाई इसकी जरूरत थी नहीं, लेकिन चलो लगा लेते हैं। उसमें ऊपर को खींच लेता हूँ अच्छे से, देख सकते हो। अब भाई यहाँ पर डबल कोटिंग हो गई है, और भाई ये किस पर लगाते हैं हाथ बात। देखो ऐसा ये हो गया इस तरीके से। तो गाइस ये तो हो गया भैया बिल्कुल तैयार मस्त, ठीक है। अब आते गाइस इसके हैंडल पर। तो ऐसा हैंडल बनाने के लिए हमें थोड़ी सी मोटी लकड़ी चाहिए, क्योंकि गाइस हैंडल इसका थोड़ा मोटा होने वाला है, और उसके अंदर गाइस फंक्शन रहेगा। वो गाइस क्या फंक्शन होगा आप जानोगे इस वीडियो में। चलो भाई अपने हाथ के हिसाब से या ग्रिप के हिसाब से गाइस इसे हमें पहले कट कर लेना है। लगभग 5 इंच का इसी मैंने पीस कट किया है। तो भैया अब इसके अंदर करते हैं होल और पार। तो भाई काफी स्मूथ का हैंडल बन गया है, ठीक है। खैर जो बात है गाइस अब हमें करना क्या है, जो भाई हमने ये कट किया था हमें गाइस इसके बराबर थोड़ा सा इसके अंदर कटिंग करनी है, जिससे ये इसके अंदर फिक्स हो जाए। तो भाई ये बिल्कुल मस्त हो चुका है, और गाइस मैंने दोनों जगह से कटिंग कर ली है। वजह गाइस आप जानते हो क्या है, ये वाले जो पार्ट है ना, ये वाले दोनों पार्ट है ये गाइस इसके अंदर आ जाएंगे, स्लॉट बनाया ना इसके अंदर आ जाएंगे, तो गाइस अच्छे से फिक्स हो जाएगा। अब भाई इसे रोकने के दो तरीके हैं, या तो भाई यहाँ पर हम इसको लगा सकते हैं इस तरीके से, या गाइस आप क्लिप लगा सकते हैं। तो भाई क्लिप लगाने का भी अलग ही तरीका है, और भाई अलग ही मजा है। पहले गाइस मैं आपको इसे लगा के दिखाता हूँ कि भाई ये लगा कैसे। देखो ऐसा ये लग गया, ऐसे काफी मस्त लग रहा है, छोटा सा क्यूट सा ऐसे। इसे रोकने की दिक्कत है, इसे रोके कैसे, चलो भाई इसे रोकते हैं। तो भाई ये रहा क्लिप, और ये 16 से लेकर 32 mm के बीच का है, और भाई इस लकड़ी में आराम से आ जाएगा, काफी मस्त लग रहा है। लेकिन भाई लकड़ी को दबा नहीं पाएगा, क्योंकि भाई आप जानते हो भाई यहाँ पर ये बिल्कुल गोल है। तो गाइस यहाँ पर एक जुगाड़ करेंगे, गाइस हम 4 कट लगाएंगे आरी से। अब गाइस क्लिप आराम से इसको ऐसे दबा देगा, क्योंकि भाई साहब इस पर हम स्टड ग्लू भी नहीं चिपका सकते रोकने के लिए, क्योंकि भाई यहाँ पर रुकेगी नहीं, क्योंकि इसे हीट हो जाएगा ना, तो भाई इसलिए हमें ये क्लिप ही लगाना पड़ेगा। एक बात और गाइस, मैं इसमें स्विच नहीं लगाने वाला, बंद कर सकते हो आपके पास स्विच रहेगा, लेकिन गाइस मैं इसमें नहीं लगाने वाला, क्योंकि भाई साहब थोड़ा सा वक्त लगता है, आप जानते हो गाइस हीट में आप चलाते हो तो थोड़ा वक्त लगता नहीं, भाई लगाते तुरंत एकदम निकल गया इसी नहीं। पहले गाइस जो शोल्डर है वो आराम से मेल्ट होगा, उसके बाद एसएमडी कंपोनेंट निकलेंगे, ठीक है। तो भाई साहब मैं इस वायर का यूज नहीं करने वाला, जो गाइस मैंने एक का लगा रखा है। हाँ वजह गाइस क्या आपको वजह बताता हूँ, ये रहा एक लेवल पाइप, क्योंकि भाई मैं ज्यादा क्वांटिटी में सामान लेकर आ जाता हूँ, तो भाई हमारे चीजें ऐसी हो जाती हैं, ज्यादा लंबी तो नहीं है, ठीक है, लगभग 1 मीटर इसे ले लेंगे। तो भैया अपने हिसाब से अपने स्वाद अनुसार कट कर लेते हैं। और भाई अगर ये वाला वायर हम इसमें डालें, पहले मैं थोड़ा सा कट कर लेता हूँ ससुरों को, ठीक है। तो भाई ये आराम से इसके अंदर आ जाएगा, देखो भाई। लेकिन भाई दिक्कत ये कि भाई इसमें काफी कम जगह बचेगी, तो भाई हवा को आने में दिक्कत होगी, आ तो जाएगी गाइस। तो भाई थोड़ा सा पतला थर चाहिए, ठीक है। तो भाई इसे हटाता हूँ, और भाई साहब यहाँ रख रहा हूँ ये जो समरसेबल वाला वायर होता है जिस पर कोटिंग होती चढ़ी हुई, काफी भाई मजबूत और तगड़ा होता है, जो बताओ मतलब काफी एम्पीयर ले जा सकता है। और भाई साहब आप इस वायर की मोटाई देख सकते हो, देखे। तो भाई मैं यहाँ से कट कर लूंगा ऐसे, ठीक है। और भाई मैं फटाफट इन वायर को यहाँ पर जोड़ दूंगा। तो भाई सोल्डिंग तो खैर कर ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो इतनी हीट आएगी नहीं। और भाई लगे थे यहाँ पर फाइबर स्लीव भी लगा सकते हैं, वैसे भाई हीट सिंक भी काम कर जाएगी। और भाई इन्हें रोकने के लिए यहाँ पर मैं लगाऊंगा ये टेप, और भाई ये हीट पे जल्दी से नहीं मेल्ट होती, तो आपने देखा इस गुलकन के अंदर लगी होती है, बेड पे लगी होती है वाली टेप है, जिससे भाई कहीं भागे ना बस निकल के जो फाइबर स्लीव है। वैसे गाइस बहुत सारे नामों से जाना जाता है, और अगर सिंपल भाषा में देखो इसे हम थर्मल टेप कहते हैं। चलो बाबूजी धीरे चले, थोड़ा फास्ट चले,
तो भैया इसे फटाफट ला के देखते हैं कैसा आता है। सारा सिस्टम गाइस हमने कट दिया है। ये भैया इसके अंदर ऐसे लग जाएगा, थोड़ा सही जगह देख ले। हाँ ये घूमना बंद हो जाएगा जब सही जगह लग जाएगा। हाँ देखो घूमना ये बंद हो जाएगा, बस इतना ही घूमेगा। तो भैया अभी इसे यहाँ पर रोकना है, ठीक है, इस जुगाड़ को। तो भैया ये रहा क्लिप, और इस क्लिप को भैया अच्छे से टाइट करते हैं पहले। वाओ देखो गाइस रुक गया। तो भाई सिंपल सा जुगाड़ है, और गाइस इसका एक फायदा ये भी होगा भाई ये हाथ आगे नहीं जाने देगा। हाँ ये भी हीट होगा, लेकिन इतना हीट नहीं होगा इतना गाइस ये हीट होगा। और भैया अब इस तार को इस पाइप के अंदर डालो। वैसे गाइस काफी हार्ड वायर होता है, तो भैया ये रुकना नहीं चाहिए देखा जाए तो। मैंने कहा ना गाइस ये हार्ड वायर होता है काफी, और ये आराम से इसके अंदर चला जाएगा। देखो ये जा रहा, और कोई वायर तो गाइस टाइम दम तोड़ देगा अपना। देखो ये सीधा जा रहा है, जबकि खींच लो बस। और भाई साहब इसे इसके अंदर का तो डायरेक्ट, और भाई इसे हम चिपकाने वाले हैं पाइप को यहीं पर। और भैया यहाँ पर कर लेंगे होल, और भाई इस वायर को मुझे यहाँ से निकालना है। देखो कितने आसानी से निकल गया, मैं निकलने में काफी दिक्कत करेगा, लेकिन भाई ये निकल गया। यहाँ से गाइस हम इसे पंप लगा सकते हैं, कोई मोटर लगा सकते हैं, जिस जगह इस हवा इसके अंदर जाते रहे। और भाई यहाँ से ये वायर हमने निकाल लिया है। और भैया इस पर लगा दो अच्छे से ये तगड़ी वाली ग्लू गन। और भाई यहाँ पर ठंडी हवा आएगी आपको बता दूं, तो ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं कि समर ये मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी या पे लग जाएगी। और भाई यहाँ भी लगाना है क्योंकि हवा तो यहाँ से भी लीक होगी। और भाई यहाँ लगा दो ये पीवीसी टेप व्हाइट वाली, जिससे गाइस ज्यादा न चमके। ऐसे लगा दी गई थोड़ा सा, आप जानते गाइस हम इंडल हो गए, थोड़ा भाई मजबूत लेकर चलते आगे तक, जिससे ग्लू गन से चिपके रहे। ये हो गया बिल्कुल बढ़िया। तो ले जाए गाइस हमारी हीट गन या हॉट एयर गन बन चुकी है। अब आपको समर भाई इसमें मोटर तो भाई तूने लगाई ना, तो हॉट एयर गन कैसे बनी है? भाई मैंने ऑप्शन दिया है गाइस, आप आराम से इसमें कोई भी पंप लगा सकते हो, इसका थोड़ा सा एयर थ्रो अच्छा हो, ठीक है, छोटे मोटे मत लाना, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कौन से नहीं लगाने। देखो भाई साहब ये वाले पंप काम नहीं करेंगे, इनका इस एयर थ्रो काफी कम होता है। तो भाई आप कौन सा पंप लगा सकते हो? मैंने पहले एक जुगाड़ बनाया था, इस वाले वीडियो में आप देख सकते हो, थंबनेल में लगा दिया है। तो भैया इसमें आकर जुगाड़ बना सकते हो, लेकिन भाई अगर आप ऐसा जुगाड़ बनाओगे तो गाइस ये वाला पाइप आपको थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा। खैर जो बात है गाइस फटाफट मैं इसकी टेस्टिंग कराता हूं। पहले गाइस मैं एसी टेस्ट करूंगा, उसके बाद ये लगा टेस्ट करूंगा। तो भाई से चलाने के लिए यहां पे मेरे पास 20 एंपियर 12 वोल्ट की एक पावर सप्लाई है, इससे मैं चलाने वाला हूं। अगर भाई आपके पास ये नहीं है तो भाई आप बैटरी का भी यूज कर सकते हो, 12 वोल्ट बैटरी का। वैसे गाइस सबसे बेस्ट पावर सप्लाई है, या कोई आपके पास ट्रांसफार्मर 10 एंपियर का। चलो भाई साहब फटाफट लगाते हैं। और गाइस यहां मैंने एक वोल्टेज रेगुलेटर लगा दिया है, यानी कि एक पोटेंशियोमीटर लगा दिया है। देखो भाई यहां पर हम वोल्टेज कम या ज्यादा कर सकते हैं, इससे गाइस ये फायदा होगा हम इसकी हीट कम या ज्यादा कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहो। तो भाई नेगेटिव पॉजिट नहीं होता, अगर आपको लगे कि समय इसमें कोई नेगेटिव पॉजिट नहीं, कोई सा कहीं लगा दो, ठीक है। तो भाई ये ऐसे कर देता हूं, इससे भाई ये थोड़ा सा मजबूती से लग जाए। चलो भाई लग गया है। तो भाई अभी तो सिर्फ 5 वोल्ट है, तो गाइस ये भी ओ भाई ये गर्म हो रहा है। तो गाइस मैं वोल्टेज बढ़ाता हूँ, जिससे गाइस आपको पता लग जाए ये रेड हीट हो जाएगा। तो भाई मैंने फुल वोल्टेज कर दिए इसके, ठीक है। देखो भाई साहब ये रेडिट होना स्टार्ट हो गया है, आई होप गाइस आपको ये दिख रहा होगा। तो भाई अगर मैं इसकी हीट कंट्रोल करना चाहूँ तो गाइस मैं इससे कर सकता हूँ। तो भाई इस पर टेस्ट करते हैं, ये एक देख सकते हो ये दो नहीं है, यहाँ पे SMD कुछ कंपोनेंट्स लग रहे हैं। तो भाई इन्हें फटाफट निकाल के देखते हैं, क्योंकि आप जानते हो ये SMD के लिए काम करेगा बेस्ट। भाई पहले थोड़ा दूर से देख लेते हैं, फिर और जूम करके देख लेंगे, ठीक है। तो मैं इसे फुल कर देता हूँ। तो भैया उल्टा से आप इसे ऐसे पकड़ सकते हो, और भाई ये रेडिट अभी हुआ नहीं है। देखो भाई आपको क्लियर पता लग जाएगी। देखो भाई भाई साहब इसे जहाँ पर आपको कोई चीज़ निकाल ली हो वहाँ पर बस रखो थोड़ी देर के लिए, और आपको खुद ही पता लग जाएगी जब ये थोड़ा सा हीट होगा ना। देखो भाई अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। आईसी निकल गई है, ये शायद आपको नहीं दिखेगी भाई, बहुत छोटी आईसी है। पहले गाइस मैं इसे बंद कर लेता हूँ, तो ये हटा लेता हूँ। देखो भाई साहब दिख गई गाइस, ये आईसी निकली है और बहुत बड़े तरीके से निकली है। देखो देखो भाई बोर्ड भी नहीं जला, आराम से गाइस ये आईसी निकल गई है। अब गाइस थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं बिल्कुल पास से, आपको एक्चुअल पता लग जाएगी कैसे ये काम करता है। गाइस मेरे पास ये दूसरा बोर्ड है, ठीक है, तो ये तो हो गया बेकार, इससे आपको निकल के दिखाऊंगा। गाइस काफी लोगों का समय इसमें धुआं निकल रहा है। भाई मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो इसमें फाइबर स्लीव लगाई है वो जलेगी, उसमें एक बार धुआं निकलेगा, उसके बाद वो पूरी तरह जल जाएगी, बगैर धुआं नहीं निकलेगा। और गाइस मैंने आपको बिल्कुल पास से भी दिखाया, दूर से भी दिखाया, तो गाइस कोई फेक नहीं होना चाहिए। अब भाई इसका जो पाइप है इसे देखते हैं, ठीक है,
धुआं निकल रहा है। तो गाइस यहाँ पर मैं कोई पंप लगाना पड़ेगा। तो गाइस मैं यूज करने वाला हूँ SMD सोल्डरिंग आयरन जो मशीन होती है, ठीक है, उसका गाइस ये पंप है। आपने देखो गाइस ये उसके अंदर लगा रहता है। मैंने ब्लॉग बनाया था गाइस, मैं ब्लॉग में कवर करता रहता हूँ। भैया ये मैं पुराना लेकर आता आपको बता दूं, ठीक है, कबाड़े में से, उसमें से गाइस मैंने पंप निकाल लिया था। तो गाइस मेरे को लगभग 500 रुपए का पड़ा है, ठीक है। तो गाइस मैं इसका यूज करूँ, वरना गाइस मैंने आपको दूसरा ऑप्शन बता दिया, आप उसे लगा सकते हो। इसका होल है, ठीक है, यहाँ से गाइस इसका आउटलेट है। तो भाई मैं ऐसा लगा दूंगा, यानी कि गाइस इस पाइप को देखो भाई ये इसमें सीधा ऐसा लग जाएगा। अभी गाइस मैं आपको एक बात और बताऊंगा, देखो सारी बात क्लियर होनी चाहिए। देखो गाइस इसमें लग गया आराम से, ठीक है। गाइस यहाँ पर अलग से एक नोब आती है, ठीक है, वो गाइस हमें जुगाड़ से बनानी पड़ेगी जब गाइस ये अच्छे से काम करेगा, वरना गाइस ये ठंडा करता रहेगा। अभी गाइस ये ठंडी हवा दे रहा है, जब गाइस ये बंद हो जाएगा ना आगे और ये छोटा पतला पाइप इसका लग जाएगा, तब गाइस ये बेस्ट काम करेगा। वो भी गाइस हम कवर करेंगे, बेफिक्र हो, ठीक है। तो भाई मैं फटाफट से पहले आपको चालू करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो भाई ये रहा पंप का मोटर। हाँ। अब बने भाई साहब ये हॉट एयर गन या SMD सोल्डरिंग आयरन। तो क्योंकि यहाँ से हवा निकलेगी तो भाई यहाँ पर को हॉट हो जाएगी, हीट हो जाएगी। अगर भाई इसका कैप बंद होता और उसमें होल होता पतला गाइस, मजा आ जाता जो बात है। खैर टेस्टिंग करते हैं क्या होता है, लेकिन एक बार भाई इसका धुआं भी निकाल के देख लेंगे कि भाई ये जो पंप है ये हवा यहाँ तक फेंक रहा है, नहीं फेंक रहा। अब भाई ये धुआं नहीं निकलेगा। तो भाई मैं ऐसे पंप ऑन करता हूँ, देखो भाई अब धुआं नहीं निकालेगा। ओ भाई हाथ नहीं लगाऊंगा। तो भाई हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, एक माचिस की तिल्ली लेते हैं और उसे चला के देखेंगे। तो भाई ये रही माचिस की तिल्ली, ये तो ऑन है, और पंप ऑन करते हैं। देखो भाई मस्त गाइस, तो काफी दूर से चल गई, ठीक है। देखो भाई कितनी दूर चल रही है। तो गाइस ये तो काफी मस्त काम कर रहा है बॉस, बस भाई उसकी कमी है, ठीक है, आगे कैप की। तो गाइस वो तो मैं इस वीडियो में नहीं बनाऊंगा, आपको साफ बता दूं। हाँ गाइस हो सकता है मैं व्लॉग में ऐसा कवर कर दूं, क्योंकि भाई साहब वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और भाई इसमें मैं काफी जुगाड़ करने हैं, बाहर जाकर भैया गैस वेल्डिंग करानी है। अब भैया इस पर आप सोल्डिंग तो नहीं करा सकते, ये बात तो पक्का है, सिंपल बात है, सोल्डर को पिघला देगा, मेल्ट कर देगा। तो गाइस आप व्लॉग में जाकर देख सकते हो, मैं उस पर अपलोड कर दूंगा वीडियो जल्दी से। अब इससे कुछ मतलब कुछ SMD कंपोनेंट निकाल के देखते हैं। तो गाइस देखिए, देखो भाई ये दोनों LED गाइस इसी में से निकली हुई है, और भाई देखो ये दोनों LED जली नहीं है, देख सकते हो गाइस। इसमें से प्यार से निकल गई मोहब्बत से, या कुछ छोटे छोटे ये SMD कंपोनेंट से कितनी मोहब्बत सा निकल गई है। देखो कुछ भी जला नहीं है, सब कुछ बड़े तरीके से निकल गया है। तो गाइस ये तो काफी काम की चीज है बहुत। अगर भाई साहब आपके पास पैसे नहीं है या SMD सोल्डरिंग आयरन नहीं है, इतनी जरूरत नहीं है, सिंपल से बात है, कभी कभी गाइस आपका काम पड़ता है, तो भाई आप इसे डेफिनेटली भाई बना सकते हो। मेरी तरफ से 100% की भाई छूट है, छूट क्या करेंगे इसमें, मतलब भाई पूरी तरह से एग्री करता हूँ, आप इस आराम से बना सकते हो। देखो एक बात और, यहाँ पे एक बोल्ट है, तो गाइस इसका ये फायदा है, देखो ये ऐसा रख सकता है। वैसे गाइस अगर आप इसे ऐसे रखते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, भाई ये जमीन से टच नहीं होने वाला। तो भाई इसके लिए कोई अलग से स्टैंड की जरूरत नहीं है, ये हीट हो रहा है लेकिन ज्यादा हीट नहीं हो रहा, और भाई इस एयर को प्लीज मत पकड़ेगा। तो भाई फ्रेंड्स ये जुगाड़ आपको अच्छा लगेगा, बहुत सिंपल जुगाड़ है, बहुत सस्ता जुगाड़ है, आपको काफी पैसे बच जाएंगे, और भाई साहब ये 100% वर्किंग भी है, अच्छा काम कर रहा है। तो प्लीज दोस्तों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और गाइस जरूर बताएं ये जुगाड़ आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।